चलिए, आप इतनी प्रतीक्षा है पूरी हुई भाई, आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, आपके क्वेश्चंस पहले 100 क्वेश्चन के आज के सेशन में कवर कर रहे हैं और उसके बाद आगे के सेशन में भी हम देखेंगे बाकी क्वेश्चन को। लेकिन चूंकि बहुत समय लग रहा है इसलिए मैं आप लोग क्या करूँगा, आप लोग को उसका PDF पहले सेंड कर दूँगा, ठीक है? और उसके बाद आप लोग की क्लास भी होगी, ठीक? और इफ़ रिक्वायर्ड कहीं डाउट होगा तो आप बीच में पूछ भी सकोगे। स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट। यहाँ पर हम कंप्यूटर के पहले 100 क्वेश्चन को, अभी ये इन लार्ज फॉर्म में आ रहा है, बड़े रूप में आ रहा है, तब तक हम यहाँ पर इसी से अभी काम चलाते हैं, ठीक है? फॉन्ट साइज आपको विजिबल है? पीछे वालों विजिबल है? बिल्कुल नहीं है? आगे आ जाइए थोड़ा सा, दिख तो रहा है? अच्छा, एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है। आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है, आंखें अच्छी है मतलब, ठीक है। चलो देखो, जो चीज़ हमने अब तक कंप्यूटर के सेशन में पढ़ा है, जो कंसेप्ट पढ़ा है, उसी को यहाँ पे अप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर उन देखो, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन के सेट हैं जो रैंडमली अलग अलग सोर्सेस से लिए गए हैं और ये वो प्रश्न हैं जो आपके लिए जरूरी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कुछ अटपटे से क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, जैसे इसमें भी देखने को आपको मिलेगा, लेकिन उसको कैसे आंसर करना है आपको यहाँ पर समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो संपादन किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? वर्ड की बात आ गई, स्प्रेडशीट की बात आ गई और फोटो एडिटिंग वाली बात आ गई, तो ये कौन सा वाला होना चाहिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए होता है और यहाँ तो इसका जो है एप्लीकेशन है, वर्ड का काम करना है आपको, स्प्रेडशीट का काम करना है समथिंग, ठीक है? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक। इंग्लिश वाले बाजू में देख लेना, कौन से विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप्स हैं जो अन्य उपकरणों जैसे आपकी कार या आपके इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट के अंतर्गत रहते हैं? तो यहाँ पर कौन से कंप्यूटर चिप्स, एक डिफरेंट टाइप का जो है कंप्यूटर का जो लाइक पार्ट कह सकते हो, तो यहाँ पर सर्वर तो होता नहीं है, सर्वर से तो बाकी इन्फॉर्मेशन निकलती है भाई, है ना? एम्बेडेड कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर है, बाकी रोबोटिक कंप्यूटर भी नहीं होता, ठीक है? यहाँ पर मेन फ्रेम तो बहुत बड़े साइज वाले होते हैं, अलमारी के आकार के होते हैं, तो उतना बड़ा आप यहाँ पर लगा नहीं सकते आपकी कार या किसी जगह पर। तो अंडरस्टूड ये है कि आपका इसमें एम्बेडेड कंप्यूटर इसका आंसर होगा, ठीक। कहीं पे डिफिकल्टी फील करोगे तो आप लोग कनेक्ट टू टीचर का हेल्प करते हुए मुझे पूछ सकते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट, और आप लोग डायरेक्ट पूछना। यदि आप एक्सेल वर्कशीट पर जो देखेंगे उसे मिनिमाइज यानी सीमित करना यदि आप चाहते हैं तो किस डेटा फंक्शन का यूज करेंगे? मतलब यहाँ पर सीमित करना मतलब लिमिट करना, लिमिटेड करना उसे, है ना? हम क्या कर रहे हैं, एक्सेल वर्कशीट होता है, एक्सेल वर्कशीट में इस प्रकार बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है? ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इस प्रकार एक्सेल शीट में होता है, तो उसमें कहा जा रहा है आपके पास आपका कोई ऐसा डेटा फंक्शन कौन सा यूज करेंगे ताकि आप उसको क्या करेंगे, फिल्टर कर सकें, सीमित कर सकें, कम कर सकें। तो वहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन होता है, जैसे कि इस प्रकार का फिल्टर का ऑप्शन रहेगा, इस प्रकार का फिल्टर का चिन्ह रहेगा, इसको क्लिक करेंगे ना तो फाइनली वो वहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आएगा, ए से जेड तक जाना है, जेड से ए की ओर जाना है, या ए से एन, केवल एन वाले को मान लो खोजना है, केवल एम वाले को खोजना है, ऐसे जो होता है, तो ये एक शॉर्टकट की होती है, तो जिसमें कि हमको करना होता है ऐसा फिल्टर करना होता है, फिल्टर करने के बाद शॉर्ट आता है भाई, पहले डायरेक्ट शॉर्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, फिल्टर वाले चिन्ह को करोगे उसके बाद शॉर्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ कन्फ्यूज़ हो सकते थे, है ना? सीमित करना चाहते हैं तो हम फिल्टर का यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस संख्या प्रणाली का आधार 16 है? 16 मतलब हेक्साडेसिमल, डेसिमल मतलब 10, हेक्सा मतलब 6, 10 6 16, तो यहां पर क्या जाएगा, हेक्साडेसिमल। यहां पे आपका बाइनरी या ऑक्टल या यूनरी इस टाइप के कोई सिस्टम जो है नहीं है, क्योंकि 16 है, ऑक्टल होता तो 8 होता, बाइनरी होता तो 2 होता, डेसिमल होता तो 10 होता, ठीक। तो ऑक्टा हेक्साडेसिमल। SMPS का फुल फॉर्म क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सॉफ्ट कॉपी एक इनटेंजिबल आउटपुट है, यानी अमूर्त आउटपुट है जिसे आप छू नहीं सकते, है ना? मतलब उसे ऐसे नहीं पकड़ सकते, इनटेंजिबल, उसे अमूर्त कहा जाता है। तो फिर हार्ड कॉपी क्या है? तो देखो, हार्ड कॉपी यहाँ पे जैसे आपकी सुविधा के लिए सब आपको बोल्ड कर दिया गया आंसर, ताकि PDF भेजूँ तो आपको मेहनत ना करना पड़े एडिशनली,
और इसके बाद पे हम आंसर को देख भी रहे हैं, अपने कंसेप्ट को भी अप्लाई करते चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कभी कंप्यूटर का पार्ट थोड़े होता है, हार्ड कॉपी मतलब वो रिलीज हो जाएगा, कंप्यूटर से अलग चीज़ है वो, है ना। उसके बाद प्रिंटेड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर का पार्ट नहीं है बल्कि वो एक प्रिंटेड आउटपुट है, ठीक है। और फिजिकल आउटपुट डिवाइस भी नहीं है भाई, वो प्रिंटर को नहीं पूछा, प्रिंटर से निकलने वाली हार्ड कॉपी को पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस प्रकार यहाँ पे सी आंसर है। एक निबल में कितने बीट होते हैं बताओ, चार। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक बीट में चार निबल होता है ना। उसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल नेटवर्क की सुरक्षा करता है ना, इट प्रोटेक्ट टू द नेटवर्क, ठीक है। अगर फायरवॉल डाला जाए, जैसे इस कंप्यूटर में मान, यहाँ पे इस बिल्डिंग में मान लो 10 कमरे हैं, सब में अलग अलग कंप्यूटर लगे हुए हैं, एक नेटवर्क हम मंगाते हैं और एक ही नेटवर्किंग से अलग अलग टोपोलॉजी बताया था नेटवर्क का टाइप, मान लो स्टार टोपोलॉजी है, मेस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी, अलग अलग चीज़ें हैं, सबको हमने कनेक्ट किया हुआ है मान लो, लेकिन बाहर से कोई वायरस बग या किस टाइप की चीज़ें अगर अटैक करना चाहे, मतलब कोई हमारा दुश्मन उसको हैक करना चाहिए 10 कमरे में मौजूद 10 कंप्यूटर को, तो सीधा नेटवर्क में घुस जाएगा। तो हम अगर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेंगे तो फायरवॉल होता है, लेकिन कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करेंगे तो एंटीवायरस होता है, ठीक है, ये बात बताया हुआ था। तो यहाँ पर नेटवर्क की भौतिक सीमा नहीं है, नेटवर्क का एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, है ना। अनाधिकृत कंप्यूटर पहुंच को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया एक सिस्टम है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक। चलो ALU, इसका तो आंसर यहीं पे लिखा है, ALU इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, AU प्लस LU कहा था, अरिथमेटिक यूनिट लॉजिकल यूनिट। तो ALU मतलब यहाँ पे आ गया अंकगणितीय, यानी कि अंकगणिती भी और तार्किक भी, एरिथमेटिक भी, लॉजिकल भी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल, कौन सा इंटरनेट मानक मतलब इंटरनेट में यूज होने वाला प्रोटोकॉल है, ठीक है। यहां पर आप देखो TML, कोबोल, जावा, ये देख रहे हैं, TML छोड़ दें, कोबोल और जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और यहां पर पूछा जा रहा है क्या है, प्रोटोकॉल पूछा जा रहा है। तो यहां पर ये TCP/IP है, इसे हमने बताया था वहां पर, है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये, ठीक है। ब्रिज का कार्य ओएसआई मॉडल की यहां पर देख लेते हैं आगे, किस परत पर होता है, यहां पर देखिए ब्रिज का कार्य ओएसआई मॉडल की किस परत पर होता है, ठीक है। यहां पर अगर आपको ओएसआई समझ नहीं आ रहा तो मैं पहले इसे एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप इसका आंसर बना पाएंगे। देखो OSI मॉडल क्या होता है, इसके 7 लेयर्स होते हैं, कितने 7 लेयर होते हैं, 7 इसके अलग अलग स्तर होते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर का कितना होगा 3 होता है, और हार्डवेयर का 3 लेयर होता है, और इसके बाद एक जो होता है दोनों को जोड़ने वाला क्या होता है, ब्रिज पार्ट होता है, ये OSI होता है। तो 3+3 और 6, मतलब 3+3=7, ठीक है। आइए बड़ी जल्दी आए, वैसे शुरुआत कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज थोड़ा आगे बढ़ भी गए। हाँ देखो, अगला क्वेश्चन जो है इसमें, मैंने कहा कि ब्रिज का कार्य OSI मॉडल की किस परत पर होता है। जैसे यहां पर लेयर देख रहे हैं ना, देखो नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये 5 लेयर तो इधर ही लिखा हुआ है। इसके अलावा एक OSI लेयर होता है, OSI मॉडल की किस परत पर, कौन ब्रिज का काम करता है, किस परत पर होता है। तो वास्तव में सबसे जो नीचे होता है हार्डवेयर लेयर का एक लेयर होता है डेटा लिंक लेयर, यही क्या करता है, सॉफ्टवेयर OSI और हार्डवेयर को जोड़ने का काम करता है। तो यहां पर OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का फुल फॉर्म लिख लो, जिसके 7 लेयर्स होते हैं, जिसके 7 क्या स्तर होते हैं, ये वो टाइप का प्रश्न है, थोड़ा अटपटा सा नहीं आ जाता कभी कभार, वो वैसे वाला प्रश्न है ये, ठीक है। तो ये लिख लो, इसके जो 7 लेयर्स हैं तो उसमें क्या है, डेटा लिंक क्या करता है, वो ब्रिज का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, यहां पर
14 नंबर का क्वेश्चन इधर है, नहीं है, यहां देख लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। ओह चौदह और 15 को देखिए, इसका मतलब पिछले स्लाइड में भी क्वेश्चन छूट गया क्या? चलो देख लेंगे, रिवर्स गियर लगा लेंगे। यहां पर देखिए अगला, अगला यदि हम बात करें ये वाला क्वेश्चन, विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट को निर्देशित और भेजने में के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है राउटर। राउटर क्या होता है? राउटर लगाना बहुत जरूरी होता है, यही तो क्या करता है, नेटवर्क को इधर 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 सब जगह फैलाने का काम करता है। विभिन्न नेटवर्कों के बीच में डेटा पैकेट को डायरेक्शन करने और भेजने के लिए क्या है, राउटर का प्रयोग करता है। ठीक है, मतलब एक नेटवर्क इधर है, दूसरा नेटवर्क इधर है, यहां पर ये राउटर कनेक्ट होगा और यहीं से की चीजें जो है कनेक्शन निकलेगा, तो राउटर इसका करेक्ट आंसर है। पास्कल, हाँ, गेटवे, 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 यहां पर देखो कनेक्शन तो नॉर्मली कनेक्ट किया जाता है, ब्रिज की बात जब चीजों को जोड़ा जाता है, गेटवे जहां पर एंटर करता है, हब मतलब यहां पे बताया था, हब क्या है, सब जिससे कनेक्टेड होता है। जैसे इसमें टोपोलॉजी में आया था, जैसे बस वाला जो आया था, बस टोपोलॉजी में क्या होता था, इधर एक जुड़ गया, इधर एक जुड़ गया, ऐसा इधर जुड़ गया, इधर जुड़ गया, इधर जुड़ गया, इसके बाद इधर जुड़ गया। और तो यहां पर एक बात समझने की जरूरत है, ये अगर बस टोपोलॉजी में कहेंगे तो हब जहां से चीजें स्टार्ट होती हैं, है ना, अगर स्टार टोपोलॉजी कहते तो हब इस प्रकार होता और ऐसा क्या है, कनेक्ट होता, ये स्टार टोपोलॉजी होता, ये क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, बीच वाले को हब कहा जाता है और बाकी चीजों को क्या कहा जाता है, लिंक्ड कहा जाता है, लिंक कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, यहां पर राउटर ही इसका आंसर है ना। चलो, पास्कल भाषा के निर्माता कौन है, निकोलस वर्थ। ठीक है, निकोलस वर्थ जो है इसके जो है निर्माता है, किसके, आपके पास्कल, पास्कल क्या है, हाँ क्या है, ओफ गया, अब पास्कल क्या है, बताओ बताओ, पास्कल लैंग्वेज है, उसमें क्या इतना है ना, अब कैसे करें, तो अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, लाइन पे बने रहिए भाई ऑनलाइन वाले। मिल जाए, अरे यार ठीक, चलो हो गया। हाँ चलिए वापस चलिए, हम एक्चुअल में पिछले स्लाइड में कुछ क्वेश्चन स्किप हो गया था, अभी इसको लैंडस्केप मोड पे हम देख रहे हैं, हम देखेंगे 6-7 क्वेश्चन। चलो इसमें देखते हैं अगर क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अक्सर ईमेल के अनुलग्न के माध्यम से पीसी पर वितरित किया जाता है और अक्सर नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है, मतलब सीधा सीधा अनुलग्न मतलब शुरू उसमें क्या, सीधा प्रवेश करा दिया जाएगा और अलग अलग कंप्यूटर तक पहुंच जाता है, ये कह रहा है, ये तो बहुत आसान है। देखो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, यहां पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, कौन सा प्रोग्राम, तो यहां पर वायरस प्रोग्राम है और ये क्या है, स्पैम प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, स्पैम तो अनवांटेड चीजें उसमें मिक्स कर दी जाती किसी प्रोग्राम में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्या है, वायरस हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार की मेमोरी केवल वही प्रोग्राम डेटा होता है जिसे सीपीयू वर्तमान में प्रोसेस कर रहा होता है, किस प्रकार की मेमोरी में वही प्रोग्राम और डेटा होता है जिसे सीपीयू प्रोसेस करता है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वर्तमान में प्रवेश किया जा रहा है। रैम और रोम को देखिए, रैम क्या है, वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है, अरे बंद करोगे तो उड़ जाता है कि बचा रहता है, उड़ जाता है, गायब हो जाता है, वोलाटाइल है मतलब है ना, अस्थाई है वो, तो जो ही तो वर्तमान में प्रोसेस करता है, तो ये क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें, इसलिए रोम तो क्या, स्थाई होता है ना, तो वर्तमान में जो प्रोसेस करेगा वो फिर भी बचा ही रहेगा,
है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि केवल वही प्रोग्राम डेटा होता है जिसे सीपीयू वर्तमान में प्रोसेस करता है, तो चीजें ये क्या होती है, डायनेमिक होती है ना, डायनेमिक होगी ये क्या है, आगे इसका ही तो टाइप देखते हैं ना, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है, इसलिए यहां पे याद रखना रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका जो है आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जब देखते हैं 14 के बाद 15 हो गया था 16, ठीक है 15 तक हो गया था इसमें, चलो 16, चयनित पंक्तियों को छिपाने के लिए, हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज की जाती है, ठीक है कौन से में चयनित यहां पे पंक्तियों को, इसमें क्या होता है, ये एक्सेल की चीजें हैं बेसिकली, जैसे क्या होता है ऐसे करके हमने लाइक अलग अलग इस प्रकार कर दिया है, तो मान लो ये बीच वाला, ये वाले को मुझे छिपाना है, तो मैं क्या करूंगा कंट्रोल प्लस 9 यूज करूंगा, अगर ये नहीं लिखे थे पहले शॉर्टकट की में तो लिख लीजिए कंट्रोल प्लस 9, ठीक है हाइड हो जाता है। देखो डॉट ओ आर जी डोमेन क्या दर्शाता है, डॉट ओ आर जी डोमेन क्या दर्शाता है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है कौन सा वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज, देखिए हो कभी करके देखिए हो माइक्रोसॉफ्ट एज, देखो ब्राउजर के बहुत सारे एग्जांपल बताया हूं कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोज़िला है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वैसे क्या है देखते हैं यहां पर एज, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, ठीक है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो है उसका एडवांस वर्जन है कह सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ही ये वर्जन है, ब्राउजर है, ठीक है एज EDGE है ना, आप किसी भी कंप्यूटर में जाके देखोगे तो ये दिख जाएगा आपको, अगर जो एडवांस कंप्यूटर है, ठीक चलो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, क्या है ट्रांजिस्टर, पहले वाले में क्या था वैक्यूम ट्यूब, दूसरे वाले में ट्रांजिस्टर, तीसरे वाले में आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप, चलो ठीक है याद है सब चीज, कंप्यूटर में प्रयोग उपयोग किए जाने वाले आईसी चिप्स किससे बनाया जाता है, सिलिकॉन, याद करो सिलिकॉन वैली भी बताया था आप लोगों को, ठीक है हाँ भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, लेकिन दुनिया का सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं यदि आप एक्सेल वर्कशीट पर जो देखेंगे उसे सीमित करना चाहते हैं आप तो किस डेटा फंक्शन का उपयोग करेंगे, रिपीट हो गया फिल्टर पढ़ चुके थे अभी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलो नेक्स्ट किस स्मृति का, यह प्रश्न आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कंसेप्चुअली, देखो किस स्मृति का एक्सेस समय सबसे कम है, कौन सी मेमोरी सबसे क्या होती है सबसे कम समय लेती है, तो आप लोगों को मैंने बताया था अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है कि रजिस्टर फास्टेस्ट है या कैश पर फास्टेस्ट है, तो मैंने कहा कि कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट है, कुछ किताबों में रजिस्टर्ड दिखा होगा, जब कैश का ऑप्शन नहीं दिया होगा तो रजिस्टर को टिक कर सकते हो, अदरवाइज कैश को ही प्रायोरिटी में लेना, ठीक है क्योंकि अलग जो ट्रस्टेड किताबों में तो कैश ही सबको फास्टेस्ट माना गया है, रजिस्टर जो है सेकेंड नंबर में आप रख सकते हो उसे, तो कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट है, अभी मैंने कैश मेमोरी आपके किसी के मोबाइल में है, ठीक है डन, ठीक है हाँ एक बार चेक कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट, यहाँ पर इंटरनेट ब्राउज करते समय पूर्ण स्क्रीन दृश्य के लिए निम्नलिखित से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, F11 मतलब छोटा दिखा उसको F11 को दोगे तो पूरा स्क्रीन में दिखने लगेगा कंप्लीटली, ठीक है चलो अब यहाँ पर थोड़ा बड़ा आ चुका है देख लेते हैं भाई, क्या नाम से सेव है, यही टाइमिंग तो यही लिखा है, हाँ नहीं छोटा हो जाएगा, ठीक है पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है, यस और नो, ठीक है चलो जल्दी जल्दी करते हैं भाई, कहाँ तक पहुँच गए थे, ये 22 है ना,
हाँ चलिए भाई, यहां पर देखिए फटाफट क्वेश्चन देखिए। अगर हम कहें अगला जो क्वेश्चन है विजिबल है ना पीछे तक, ठीक, इंटरनेट ब्राउज़र्स करते समय कौन सा स्क्रीन जो है यूज किया जाता है, किस कुंजी का, मैंने कहा फुल स्क्रीन करने के लिए F11 यूज किया जाता है। हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार क्या है, हेक्साडेसिमल 10+6 तो हेक्सा 16, ठीक है तो 16। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, कोई बात नहीं। सिम का फुल फॉर्म क्या है, सिम का फुल फॉर्म बताओ, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है याद रखना सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये आपका सिम का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर संचालन को बाधित करने, संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने और निजी कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाले हानिकारक प्रोग्रामों को कहते हैं। देखो यहां पे हमने देखा था कि क्या देखे थे इसके थोड़ी देर पहले, कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए क्या देखे थे, अरे स्पैम और वायरस देखे थे। तो स्पैम नहीं है कहा, तो यहां पे मैलवेयर, सब में थोड़ा थोड़ा माइक्रो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो यहां पर संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने के लिए और निजी सिस्टम तक पहुंचने के लिए, मतलब मैलवेयर छोड़ देंगे। जैसे हम लोग मान लो अपने अपने मोबाइल को बात करेंगे, पिछले एक महीने में हमने क्या क्या चीज ब्राउज किया, क्या क्या चीज देखा, क्या क्या हर चीजें जानकारी उस तक पहुंच जाती जब आपके मोबाइल में कोई मैलवेयर घुस जाता है। वायरस क्या कर रहा है, उसको आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता, उसका डुप्लीकेट कॉपी बनाता और वो आपके कंप्यूटर को या आपके मोबाइल को स्लो कर देता या हैंग कर देता। जबकि मालवेयर क्या है, एकदम चुपचाप से रहेगा, आपकी पूरी जानकारी सामने वाले तक पहुंच रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। जबकि वायरस में पता चल गया कंप्यूटर हैंग हो रहा है, आपको स्पीड स्लो हो गया, लेकिन मैलवेयर में ऐसा नहीं होता। मैलवेयर में देख रहे हैं कि है ना, आमतौर पर कहा जाता है ये हानिकारक उस मामले में है कि आपकी जानकारी लीक हो जा रही है और आपके कंप्यूटर को एक एक चीजें जो हो रही है पता चल जा रहा है, ठीक है। तो मैलवेयर में समझ में आया, अलग चीज है मैलवेयर, ठीक। तो इसका आंसर क्या है, मैलवेयर हो गया, ठीक है। स्पाईवेयर भी मैलवेयर का ही टाइप है। अभी पेगासस वाली बात सुने थे, पेगासस जो आया था जिसमें कि जो न्यूज में रहा था, तो पेगासस एक स्पाईवेयर है, जहां पर ये भी मैलवेयर का एक टाइप ही है, ठीक है। अगर मैलवेयर नहीं होता तो आप स्पाईवेयर डाल सकते थे, ठीक है। चलो अब यहां पर देखते हैं, किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती है, पैच कहलाता है। पैच, ये आप लोग लिख लो भाई। किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत जो आमतौर पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती है, उसे कहा जाता है पैच, ठीक है। पैच, PATCH। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न बनाइए। हाँ एक बताओ, नेक्स्ट वाला 27। हाँ देखिए, आमतौर पर एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब छोटा एरिया कह रहे हैं, मतलब लोकल एरिया, तो लोकल एरिया में क्या यूज होगा, लोकल एरिया नेटवर्क लैन यूज होगा, ठीक है। अगर हम कहते हैं पूरा सिटी को कवर करना है तो वहां पे कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया, MAN होता, ठीक है। और उससे भी बड़ा वाला होता तो वो फिर लाइक एक वाइड एरिया नेटवर्क भी होता है। चलो आगे देखें, किस स्मृति को ताजा यानी रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, स्टैटिक, क्योंकि वो स्टैटिक है, बार बार रिफ्रेश करोगे तो वही दिखेगा, शुरू में जो था वही दिखाई देगा, स्टैटिक रैम दिखाई देगा। कौन सी डेटाबेस कुंजी किसी तालिका के भीतर किसी बिना किसी रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करती है, डेटाबेस कुंजी, डेटाबेस की किसी तालिका यानी किसी टेबल के भीतर किसी रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करती है, तो यहां पर आप लोगों को प्राइमरी की लेना है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, प्राइमरी की। इसमें ऐसा सच कोई समझाने वाली बात नहीं है, विशिष्ट पहचान के लिए प्राइमरी की जो है वो जरूरी होता है। चलो नेक्स्ट 30 देखो, यहां पर एक्सेल में यानी खालिस्तान एक्सेल में शामिल एक अंतर्निहित गणितीय सूत्र है भाई। फॉर्मूला तो किसमें होता है, किसमें होता है, एक्सेल में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर फंक्शन की से स्टार्ट करते हैं वहां से, यस और नो, नहीं समझे, अरे एक्सेल में फॉर्मूला निकलता है कि नहीं, बराबर से स्टार्ट करते हैं,
इक्वल वाले चिन्ह से करते हैं। तो फंक्शन से किसी खालिस्तान एक्सेल में, फंक्शन एक्सेल में शामिल एक अंतर्निहित गणितीय सूत्र है। यहीं से क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है निकलता है, अलग अलग चीजें आती हैं वहां पर, आपको ऑप्शंस दिख जाएगा। फंक्शन की को टच करके देखना, ठीक है, एक्सेल खोल के, है ना। आप लोग एक काम करना, अपने मोबाइल में ना जो भी जो अच्छा ठीक ठाक मोबाइल है, जनरली आजकल अभी सभी मोबाइल में दिखता है, एक्सेल आप डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, और एक्सेल को ये जो जो चीज़ समझ नहीं आता करके देख लेना, शॉर्टकट की हुई करके देख लेना, तो चीज़ समझ में आ जाएगा। कौन सी एक्सेल सुविधा आपको उन सभी कोशिकाओं को चुनने या हाईलाइट करने की अनुमति देती है? तो ये वर्ड आप लोगों को ध्यान रखना, ये उस समय पढ़ाने के दौरान शायद स्पीड स्किप हो गया था। गो टू का ऑप्शन तो रहता है, लेकिन गो टू स्पेशल का ऑप्शन भी एक रहता है, जिसमें किसी भी सेल को, सेल ऐसे होते हैं, है ना, लाइक हॉरिजॉन्टल भी होगा, वर्टिकल भी होगा, है ना। तो यहां पर मैं मान लो कह देता हूं इसको सेलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो वन टू, ये क्या हो जाएगा टू, और इधर से भी देखेंगे वन टू, मतलब वर्टिकल भी टू है और हॉरिजॉन्टल भी टू है। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसे सेलेक्ट करना है, इस कितने को सेलेक्ट करना है, चुनना है, तो गो टू स्पेशल का ऑप्शन डालेंगे, वो रिलेटेड सेल सी टू को आप टाइप कर दो, वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कितना परसेंट जूम कर सकते हैं? 400% तक जूम किया जाता है, ये आता है अक्सर, अभी किसी एग्जाम में पूछा भी, हाँ वर्ड में भी यही है, ठीक है, 400% तक जूम किया जाता है। यहाँ पर वर्ड 2010 में वर्ड काउंट की सुविधा निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत प्रूफिंग में उपलब्ध है? वर्ड काउंट की सुविधा, वर्ड काउंट की सुविधा रिव्यू में है, रिव्यू बी, ठीक है। एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। अरे भाई, कंप्यूटर जब चालू करोगे तो बूटिंग का ऑप्शन आता है, तो अगर यहां पर कहेंगे अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही नहीं है तो बूटिंग नहीं हो सकती। ISDN का इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार का संसाधन, साझा संसाधन मतलब शेयरिंग रिसोर्स होने की सबसे अधिक संभावना है? किससे ज्यादा शेयर हो सकता है? कीबोर्ड का तो काम टाइप है तो ये हो ही नहीं सकता है। स्पीकर जो है चलो एक दो स्पीकर लगा सकते हो, है ना, सबसे अधिक पूछा जा रहा है। स्पीकर से भी शेयर हो सकता है भाई, है ना, एक जगह से तीन तीन स्पीकर, जैसे लाउड स्पीकर लगाते हैं ना घर में, शादी पार्टी वगैरह, इधर एक गली में, उधर एक गली में, उधर एक गली में, ठीक है, गांव वगैरह में खासकर लगाया जाता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव नहीं है तो यहां पर प्रिंटर है, क्योंकि प्रिंटर जो है साझा किया जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क में बिना किसी प्रकार का शेयर जो है संसाधन करने की सबसे अधिक संभावना। देखो एक बात ध्यान रखो कि अगर मैं यहां पर एक कंप्यूटर रखूं, इसमें प्रिंटर वन, प्रिंटर टू, प्रिंटर थ्री, तीन चीजें, चाहो तो आप एक ही कंप्यूटर से तीनों जगह सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हो, तो ज्यादा शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है प्रिंटर। प्रिंटर में यहां पर बहुत सारे और भी इसमें चीजें होती हैं, लाइक प्रिंटर को जो है कह सकते हैं डिफरेंट अलग अलग टाइप के प्रिंटर की अकॉर्डिंगली उनके फंक्शन भी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप में उपयोग किए जाने वाला क्या है? ये DBMS के अंदर की चीज है, DBMS के अंदर की चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिलेबस में उतना अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं कि जब DBMS मतलब जितना भी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आंकड़ों को प्रबंधन करने का एक सॉफ्टवेयर जिसमें होता है, उसमें अलग अलग क्या है इस प्रकार के डेटाबेस होते हैं, तो सबसे ज्यादा उपयोग जो किया जाता है रिलेटिव रिलेशनल डेटाबेस यूज किया जाता है, बस अंतर संबंधित डेटाबेस रिलेशनल। प्रबंधक साइबर चोरी से निपटने के लिए परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करते हैं, विशेषकर इंटरनेट में, इंटरनेट से ऐसे टूल में क्या यूज किए जाते हैं? देखो क्या है, आप मान लो कंप्यूटर की कोई कंप्यूटर का कैफे है, मान लो 10 कंप्यूटर उसके पास रखा हुआ है बाहर से इधर उधर, बहुत सारे पुराने समय में इंटरनेट कैफे लोग 10 रुपये एक घंटे में पे करके अटेंड करते थे, है ना, इंटरनेट यूज करते थे, हम सब किए हुए हैं इसको, है ना। तो साइबर चोरी से निपटने के लिए किसी भी साइबर लाइक क्राइम हो या बाहर से कुछ चीजें इस आपके कंप्यूटर में आने के लिए आप क्या कर देते हैं, फिल्टर भी लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ
कुछ जगह रिस्ट्रिक्टेड कह दिया जाता था, ये वेबसाइट यहाँ विजिट करना मना है कह दिया जाता था, कई बार लिख देते थे कुछ लोग भी, और नहीं भी लिखते थे आपने उसे डिसेबल कर दिया है, तो वेब में फिल्टर लगा दिया, वो सर्च करेंगे भी तो फिल्टर नहीं हो मतलब आएगा नहीं। दूसरा निगरानी के लिए, सर्विलांस के लिए ये भी है, और तीसरा एक जानबूझ के प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं, ताकि वो इंटरनेट के स्टार्ट करने के पहले प्रॉक्सी सर्वर भी लगाया जाता है, ताकि विशेष केस में वहां पर कुछ काम किया जा सके, ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर, तो उपरोक्त सभी। डेटा में परिवर्तन करना ताकि या तब तक उपयोग सीमित रहे, उपयोग योग्य रहे जब तक कि परिवर्तन पूर्ववत ना हो जाए, इनक्रिप्शन। डेटा में परिवर्तन करना ताकि यह तब तक उपयोग योग्य ना रहे जब तक कि परिवर्तन पूर्ववत ना हो जाए, पता नहीं क्या अजीब सा कह रहा है, ठीक है। इनक्रिप्शन इसका आंसर है, ठीक है। इंग्लिश देख लेते हैं, द ऑल्टरनेटिंग ऑफ डेटा सो दैट की इट इज नॉट यूजेबल अनलेस द चेंज आर है ना अनडन इन, ठीक है। तो इनक्रिप्शन इसका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 40 क्वेश्चन। ब्राउजर पर टैब बंद करने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? 5 ब्राउजर ओपन किए हो और ब्राउजर को आपको बंद करना है, टैब को बंद करना है, तो सीधा अभी करके मैंने देखा इसे कंट्रोल प्लस डब्लू होता है, कंट्रोल प्लस डब्लू से बंद हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल द्वारा विकसित किया गया है? ऑपरेटिंग मैक ओएस, ठीक है, यहां ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ठीक है, एप्पल ओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीबीएमएस का फुल फॉर्म? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये उत्तर वाला ये गलत है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार क्या है? 8। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया था? वैक्यूम ट्यूब। प्रोम, प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कोबोल है ना, क्या है फुल फॉर्म? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो कोबोल तो बिजनेस है ना। कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? बैकस्पेस, लेफ्ट साइड के बैकस्पेस दबा दोगे तो हट जाएगा। चलो नेक्स्ट, 1 GB कितने MB के बराबर होती है? 1 GB 1 GB, तो गीगाबाइट कहेंगे तो 1000 मत कर देना, 1024 मेगाबाइट के बराबर, इसको मैंने बताया था वहां पर, ठीक है। हम यहां पे देखते हैं बाइनरी, इसे बनाने इसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा भाई। चलो कोशिश करते हैं, इसको कोशिश करते हैं, यहां पर क्या लिखा है भाई, क्या देखो 111001 है ना, 111001 111001, और इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? 111001 इसको किस में कन्वर्ट करना है? ठीक है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये बाइनरी है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। स्कूल के लिए आपको मैंने तरीका बताया था कि जैसे कि देख रहे हैं कितना है, तो 111 लिख दो, हाँ 001, चलो लिख लिए, बहुत बढ़िया है। देखो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 0 1, इसके बाद 2 है, ये है ना, ये 2 है, इसके बाद 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर पहले 1 के लिए, इसके लिए 1 into 2 to the power 5 प्लस दूसरे के लिए यहाँ पे 1 into 2 to the power 4 प्लस यहाँ पर तीसरे के लिए 2 to the power 3, अरे 1 into 2 to the power 3, 1 × 2 to the power 3, उसके बाद क्या है 0 into 2 to the power कितना हो जाएगा 2, उसके बाद प्लस 0 into 2 to the power 1 और इसके बाद 1 into 2 to the power 0, इस प्रकार हो गया। अब इसमें हम देखते हैं 2 × 4
दो, दूनी चार, दूनी आठ, दूनी सोलह, दूनी बत्तीस। तो इसको मैं मोटा मोटा सीधा सीधा लिखूं, है ना, तो दो का घात पाँच मतलब बत्तीस, प्लस यहाँ पर कहेंगे दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह, सोलह दो दूनी चार दूनी आठ, प्लस ज़ीरो, दो का घात दो है तो क्या हुआ, इंटू ज़ीरो कर दोगे तो ज़ीरो ही हो जाएगा, इसका दो का घात वन करोगे उसके बाद ज़ीरो इंटू ज़ीरो ही हो जाएगा, दो का घात ज़ीरो होगा तो उसका वैल्यू वन होता है, तो वन करोगे तो इस प्रकार हो गया। तो क्या है, कितना हो गया, बत्तीस, बत्तीस और सोलह कितना हो गया, ठीक है, कितना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा देखो, बत्तीस और आठ चालीस, चालीस और छः सोलह छप्पन, और छप्पन एक संतावन, तो आंसर कितना है, संतावन हो जाएगा, 57 हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया, समझ आया ना, ठीक, चलो आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 57। नेक्स्ट, ईनियक किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है, ईनियक, चलो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हमने देखा था, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब था, इसके बाद उसके अलग अलग जो है टाइप्स आए थे, ठीक है, अलग अलग टाइप्स आए थे, तो उसमें एक ईनियक भी आया था, आप लोगों को नोट्स में लिखा हुआ है, केयरफुली चेक करो, ये फर्स्ट पीढ़ी का ही है, ठीक है। उसके बाद एमएस एक्सेस है, एक्सेल नहीं है, घर यहां पर देखो, डीबीएमएस का छोटा भाई कौन है, एक्सेस। डीबीएमएस से क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर कहा जाए उसमें भी आंकड़ों का प्रबंधन किया जा रहा है, तो अगर आपको डीबीएमएस नहीं आता तो एमएस एक्सेस करके उसका छोटा रूप यूज कर सकते हो, तो ये भी क्या होगा, डीबीएमएस का ही का के जैसा ही काम करने वाला क्या है, डेटाबेस वाला एक का, कौन सा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेस भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कंप्यूटर में होता है, देखना कौन सा कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने को प्रतिबिंबित प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है, है ना, प्रतिबंधित किया जाने वाला सबसे आम उपकरण है, तो यहाँ पर पासवर्ड लगाया जाता है, ठीक है, सबसे उपकरण वर्ड लिखा है, एक्चुअल में वो पासवर्ड है, मतलब उपकरण नहीं होना चाहिए, वो कोई डिवाइस नहीं होता, पासवर्ड कोई डिवाइस नहीं होता, तो पासवर्ड इसका आंसर है वैसे, ठीक है, और बाकी सब चीज़ें कीज वगैरह हैं तो अल्टीमेटली वो पासवर्ड के अंतर्गत ही आ जाता है। फोटो संपादन, स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग के उदाहरण हैं, सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एमएस वर्ड में दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्नलिखित किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, हाँ बताइए, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, इसे भी करके देखिएगा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से बंद हो जाता है ना, वर्ड खुला हुआ है, और वर्ड खुला सिस्टम बंद नहीं होगा, देखो अल्ट एफ फोर से भी बंद हो सकता है और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से भी बंद हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में कोई भी ऑप्शन होता है टिक कर सकते हो, करके देखना इसको, मैं मुझे भी डाउट लग रहा था, हम तो जनरली अल्ट एफ फोर पढ़ते थे, लेकिन करके देखेंगे तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार ये बार बार क्यों आ रहा है भाई, 16 है, ठीक है, और दूसरी पीढ़ी में डेटा, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी यूज होती थी, मैग्नेटिक स्ट्रिप यूज होती थी, तो मैग्नेटिक कोर, ठीक। निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 और उच्चतर संस्करणों में, है ना, किसी फोल्डर का नाम बदलने के लिए यूज किया जाता है, यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई, आप ना क्या करना, कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट कर देना, जनरली हम राइट क्लिक करेंगे उसके बाद रीनेम का ऑप्शन करते हैं, रीनेम को क्लिक करेंगे तो मान लो उसका नाम पहले क्या था, मान लो भारत था, उसको क्या रीनेम करके इंडिया लिखना है, तो हम जनरली राइट क्लिक करते थे, फिर नीचे आता था रीनेम के, क्लिक करते थे फिर वो आता था, वो सब छोड़िए, किसी फोल्डर को क्लिक करिए, F2 दबा दीजिए तो वही आ जाएगा डायरेक्टली, रीनेम करने के लिए यूज हो जाता है ना, फोल्डर का नाम बदलने के लिए, तो ये F2 याद रखना। MS Excel है ना, MS Excel वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट पर जाने के लिए शीट
किस पर क्लिक करना चाहिए, जो टैब है ना, जो जो इस प्रकार जो बना हुआ है, इस सबको क्या कह रहे हैं हम, सेल जो बहुत सारे हैं वो स्प्रेडशीट है, और उसमें है ना एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट पर जाने के लिए क्लिक करने के लिए यहाँ पर शीट टैब, टैब बटन, एक्टिव सेल और स्क्रॉल बार जो लिखा हुआ है, तो शीट टैब है इसका आंसर। हाँ, टैब से भी नया चीज खुल जाता है, टैब बटन से भी नया चीज खुल जाता है, कंट्रोल एन करोगे भी तो नया चीज खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीट टैब के अंतर्गत मेरे ख्याल से इसका आंसर बिल्कुल सही है, टैब होना चाहिए, ठीक है। इसको एक बार चेक करके देख लेंगे, है ना, यहाँ पर शीट टैब से ज्यादा आंसर जो है टैब दिख रहा है। अच्छा देखो देखो, एक एक्सेल वर्कबुक में, नहीं नहीं आपका आंसर सही है। देखो एक एक्सेल में जैसे यहां पर हम एंट्री कर रहे हैं, देखो यहां पर कितने 1 2 3 4 है, पहले में आपने डॉट लिखा, दूसरे में 1 लिखे, तो अगला में आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, टैब करके जाओ तो ये नेक्स्ट 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 होता जाएगा, लेकिन उसी सीट में हो रहा है ये। हाँ, इसका आंसर बिल्कुल वैसे में सही है। ये जो है टैब जो है एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए जरूरी है, शीट टैब से ना आप नया सीट जाएंगे, शीट टैब से नया सीट जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है आंसर ये, ठीक है। एमएस वर्ड में आपका वर्तनी और व्याकरण चेक करने के लिए तो बहुत आसान है, F7, ये बहुत बार पूछा गया है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, है ना, सी ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, 60 प्रिंटर। नेक्स्ट देखिए, एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर जिसमें हम चित्र बनाओ लिख सकते हैं, कोरल ड्रॉ भाई, यानी चित्र बनाना और वगैरह सब कोरल ड्रॉ से होता है ना, पेज मेकर वगैरह वो सब टाइपिंग और वो सब चीजों में यूज होता है ना, बुक वगैरह बनाते हैं ना तो पेज मेकर वगैरह में बनाते हैं, है ना। एमएस पेंट वगैरह में भी देखो यहाँ पर हम लिखे हैं, है ना, छवि यानी फोटो संपादन सॉफ्टवेयर, या इंग्लिश में देखेंगे तो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए आपको कोरल ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। पेंट में चीजों को मिटा नहीं सकते, ऐड कर सकते इस प्रकार, है ना, जैसे किसी का फोटो है उसमें दाढ़ी मूछ लगाना है तो लगा सकते हो, लेकिन दाढ़ी मूछ लगा हुआ है तो उसको हटाओ बोलोगे तो पेंट से नहीं हटा सकते, उसको क्या है कोरल ड्रॉ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये फोटोग्राफी वगैरह जैसे करते हैं ना, फोटो खिंचवाते हैं तो कोट वोट नहीं भी पहने तो कोई बात नहीं, कोट पहना देंगे बोलते हैं, ऐसा होता है कोरल ड्रॉ। एक संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए किसका प्रयोग, ये तो बच्चों वाला है, कंट्रोल है, ठीक है। इसमें किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग सभी खुली हुई विंडोज को छोटा करने और डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। देखो आप लोग यहाँ भी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, विंडो का चिन्ह ऐसे होगा, देखना ऐसे करके, ऐसा ऐसा करके एक विंडो का जो है की होता है, ठीक है, ऐसा करके लाइन लाइन वाला जो है चिन्ह होता है ऐसा करके, ठीक। तो इसमें देखना कि किसी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग एक खुली हुई विंडो को छोटा करने और डेस्कटॉप को मतलब मिनिमाइज करने के लिए, वो विंडो वाला चिन्ह वाला कीबोर्ड में देखना, अगर इधर कीबोर्ड होगा तो यहां पर देख रहे होगे, इसमें भी है, ये देखो यहां पर, अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट तो नहीं देख पाएंगे इसे, लेकिन ये देखो कौन सा, ये करके आपको क्या करो, आप डी को दबा दो तो मिनिमाइज हो जाता है। तो ये वही चीज है, कीबोर्ड में विंडो का चिन्ह दिया हो गया होगा, उस बटन को दबाना और डी दबा देना तो मिनिमाइज हो जाएगा, डेस्कटॉप सीधा दिखाई देगा, कितना भी फोल्डर आप खोल के रखे रहो। चलो नेक्स्ट, कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम में घटकों और क्षमताओं को जोड़ने की अनुमति देता है, ये आपके लिए नया है ना। कंप्यूटर सिस्टम में घटकों और क्षमताओं को जोड़ने की अनुमति देता है, एक्सपांड करना, स्लॉट एक्सपांड करना, मेमोरी बढ़ाने के लिए किसी भी चीज के लिए, तो वहीं से आया है एक्सपांशन स्लॉट्स, ठीक है। बाकी चीजें आप भूल जाइए, इनपुट आउटपुट डिवाइस का कोई रोल नहीं है। हाँ, इसमें क्या है, यहां पर एक्सपांड हो रहा है इसलिए हम इसमें जोड़ने के प्रयास करेंगे। हाँ, हालांकि ऐसा होता कि देखो ये प्रवेश कराया जा रहा है तो इनपुट होता, एग्जिट होता तो आउटपुट डिवाइस होता, यहां पर स्टोरेज डिवाइस होता जहां भी मेमोरी बढ़ रहे हैं, तो एक्सपांशन स्लॉट में ही स्टोरेज डिवाइस लगाए जा सकते हैं, जहां पे स्लॉट्स होता है भाई एक्सपांड करने का, ठीक है। मतलब वहां पे जैसे कि आप एक हार्ड डिस्क और लगा दिए, एक बार 512 MB का था, इस बार कहेंगे 1 TB का क्या है, आप बहुत ज्यादा मेमोरी वाला आपने क्या है हार्ड डिस्क लगा दिया, तो एक्सपांशन स्लॉट में उसे जाके कनेक्ट करोगे। तो यहां पर ये वही पूछा गया है ना, कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को यहां पे छोड़ने की अनुमति देता है, तो एक्सपांशन स्लॉट नहीं रहा है तो इसे जोड़ा ही नहीं जा सकता।
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्या है सीपीयू, इनपुट सीपीयू फिर आउटपुट, ऐसी तो था हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो आंसर सीपीयू। ठीक है, पेरिफेरल किसे कहते हैं बताया था, सीपीयू के चारों तरफ, चारों तरफ जो होगा इसकी पेरिफेरी में जो चीज भी जोड़ सकते हैं, जनरली आगे और पीछे ही जोड़ते हैं सीपीयू में, यहां पर भी देख रहे हो सीपीयू आगे और पीछे, आगे पेन ड्राइव लगा सकते हो, पीछे पेन ड्राइव लगा सकते हो, तो किसी सीपीयू के चारों तरफ लगाया जाने वाला कोई भी डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, चलो यहां पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा उपकरण दो अलग अलग नेटवर्कों के बीच डेटा ट्रांसफर को सक्षम बनाता है, यह है जिसमें मैंने कहा था कि एंट्री करेगा एग्जिट करेगा, तो पहले वाले में अगर देखो एक जगह से बाहर निकलेगा, एक जगह से अंदर करेगा, बाहर का गेट अंदर का गेट, गेटवे जो आप पूछ रहे थे ना, ठीक है, गेटवे जो आप पूछ रहे थे नेटवर्क में, आप लोगों को मैं बताया था कि जो आप प्रश्न पूछे थे बस और नेटवर्क दोनों, बस और गेटवे दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो यहां पर गेटवे जो है इसका काम करता है डेटा ट्रांसफर, नेटवर्क के बीच में डेटा ट्रांसफर को सक्षम बनाता है गेटवे, पहला का आउट दूसरा का इन, तो दोनों मिलके इस प्रकार गेटवे कहलाएगा, और वो हो सकता है किसी न किसी से कनेक्टेड हो, जिसे हम बस या वहां पे या फिर किसी सर्वर से आ रहा होगा ऐसा भी कह सकते हैं। कौन सा एक लोकप्रिय DOS आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, तो अभी इसको गूगल करके मैंने देखा था लोटस 123 क्या है, ये जो है एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे MS DOS होता है ना, MS DOS होता है, माइक्रोसॉफ्ट DOS होता है, वैसे ही यहां पर भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक, इसका जो है मैं फुल फॉर्म भी लेकर आया था, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 67, हाँ इसमें नहीं जो नेक्स्ट आगे आएगा। ठीक है, देखो थोड़ा समझो, लोकप्रिय स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट देखो यहां पर सेल कोई स्प्रेडशीट हो ही नहीं सकता, एक्सेल स्प्रेडशीट है, ठीक, मल्टी क्या है, मल्टी प्लेन ये भी नहीं है, और यहां पे क्या दिया हुआ है वर्ड ये भी नहीं, यहां पर लोटस 123 इसका स्प्रेडशीट का पैकेज है, जबकि एक्सेल तो क्या एक ही सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट का पैकेज कहने का मतलब ये बहुत सारे अलग अलग स्प्रेडशीट उपलब्ध कराता है, कौन उपलब्ध कराता है, ये लोटस 123 किसका है बताऊं, जैसे हम कहते हैं एमएस डॉस तो माइक्रोसॉफ्ट का है, ये आईबीएम का है, आईबीएम का है लोटस 123। जैसे एमएस डॉस आपने क्या किया, इंस्टॉल किया तो आपको बहुत सारा स्प्रेडशीट दे दिया काम करने के लिए, वो सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो काम करते हैं एमएस डॉस से। ठीक है, आगे एमएस डॉस मैंने पिछले क्लास में बताया था क्या काम के लिए यूज होता है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये लोटस 123 किसका है, आईबीएम का, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है ना, जो अनावश्यक टुकड़ों का पता लगाता है, उन्हें हटाता है, और संचालन को अनुकूलित करने के लिए फाइल और अप्रयुक्त किसी संसाधन को पुनर्व्यवस्थित करता है, बहुत लंबा चौड़ा है, इसको आप ऐसे ही ऐसे समझो, डी फ्रेगमेंटर, फ्रेगमेंट में तोड़ना, डिस्क फ्रेगमेंटर, तो यहां पर बैकअप नहीं हो सकता, देखो इसमें पूछा है यूटिलिटी प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम जब आपको कभी कभार जरूरत पड़ती है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आवश्यक हो सकता है लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर अनिवार्य है, कंपल्सरी, बताया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कभी कभार जरूरत पड़ता है, तो जब यहां पे कह रहे कि अनावश्यक टुकड़ों का पता लगाता है, उन्हें हटाता है, और अनुकूलित करने के लिए फाइल और अप्रयुक्त डिस्क स्थान को रीअरेंज करता है, मतलब स्पेस बनाने का काम करता है, तो यहां पर रीस्टोर करेंगे तो डेटा तो भरेगा भाई, है ना, डिस्क क्लीनअप एक ऑप्शन हो सकता है, चलो एक बार इसे देखते हैं, बैकअप नहीं हो सकता, बैकअप तो पुराने वाले को खींचता, ये भी डिस्क भरेगा, स्पेस को ऑक्यूपाइड करेगा, जबकि यहां पर टुकड़ों का पता लगाना, उसे हटाना, रिमूव करने के लिए बात की जा रही है, तो डिस्क क्लीनअप हो सकता है एक आंसर, दूसरा डिस्क फ्रेगमेंटर भी होगा, तो यहां पर दोनों ऑप्शन है, तो यहां पर गिवन क्वेश्चन के हिसाब से दोनों आंसर होना चाहिए, लेकिन चलो देखते हैं, इसमें डिस्क फ्रेगमेंटर लिया है तो अकॉर्डिंगली आप इसे ले लीजिएगा, लेकिन काम दोनों ही क्लीनअप का करता है। ठीक है, क्लीनअप का काम, अनावश्यक टुकड़ा लिखा हुआ है, कीवर्ड तो यही है, जैसे मोबाइल में कई बार क्या करते हैं आप, डेटा को खाली करने के लिए भर जाता है तो उसे क्लीनअप करते हैं ना, तो अनावश्यक चीजें खाली हो जाता है तो 200-400 MB रिलीज करके लिखाता है। ठीक है, तो ये तो वही काम कर रहा है, इसलिए क्लीनअप भी हो जाएगा इसका आंसर।
है ना। तो यहां पर ये याद रखना, आप इसका आंसर बी और डी ले लीजिएगा, बी और सी ले लीजिएगा, ये और ये। विंडोज एक्सप्लोरर्स में खोज के लिए, सर्च करने के लिए कंट्रोल एफ, फाइंड, फाइंड का एफ इसलिए कंट्रोल प्लस एफ। चलो, उत्तर पुस्तिका पर पेंसिल या पेन के निशान को पढ़ने के लिए उपयोग की जाने वाली ओएमआर, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। एमआईसीआर क्या है, मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन कोड, यहां पर है ना, यहां पर एमआईसीआर चेक वगैरह में होता है, मैंने बताया था बैंक के चेक जो होता है उसमें एमआईसीआर कोड जरूरी होता है, ठीक है। अगर ओसीआर कहेंगे तो समझ में आता है, ओसीआर वो स्कैन कर लेता है, उसको स्कैन करके उसको फिर रीड कर लेता है, ठीक है। ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक, वो सीधा प्रकाशिक मतलब फोटो, जो फोटो को स्कैन कर लेगा वो ओसीआर है, ठीक है। सीपीयू और एफटीपी तो जानते ही आप। नेक्स्ट 71 में, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि एक प्रकार की त्रुटि है जिसे कंपाइलर जांच कर सकता है ना, सिंटैक्स एरर, ये नया चीज आपके लिए लिख लो, एक ऐसी त्रुटि जिसे कंपाइलर चेक करता है वो है सिंटैक्स एरर। कंप्यूटर के सीपीयू के भीतर एक विशेष उच्च गति भंडारण क्षेत्र जिसमें संसाधित होने से पहले सभी डेटा का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए, ये देखो ये है रजिस्टर। रजिस्टर क्या है बोल के आपको पूछा जाता है ना, कैश मेमोरी क्यों फास्ट होती है, फास्टेस्ट होती है, रजिस्टर क्यों ऐसा है, देखो सीपीयू के भीतर एक विशेष उच्च गति भंडारण क्षेत्र मतलब स्टोरेज एरिया जिसमें प्रोसेस होने से पहले ही सभी डेटा का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए उसे रजिस्टर्ड कहा जाता है। तो एक स्टोरेज एरिया है, यह भी बहुत फास्टेस्ट होता है, फास्ट होता है, लेकिन फास्टेस्ट कैश मेमोरी ही होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। रजिस्टर्ड, रजिस्टर प्राइमरी, प्राइमरी मत प्राइमरी में आती है, हाँ बिल्कुल वही है, प्राइमरी आता है, ये भी प्राइम, हाँ प्राइमरी ही आएगा, सेकेंडरी नहीं आएगा, प्राइमरी ही आएगा, ठीक है, वो एक एरिया ही है वहां पर प्राइमरी है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन किस ग्रुप में इंसर्ट बटन पर पाया जाता है, ये देखो हेडर और फुटर है ना, यहां पर हेडर और फुटर समझते हो, किसी भी देखो पावर पॉइंट का ये पेज हो गया तो ऊपर कोई चीज ऐड करना है, नीचे कोई चीज ऐड करनी है, एक बार ऐड करो तो सभी पेजेस में दिखने लगेगा जैसे वर्ड में होता है, ठीक है। तो हेडर फुटर का बटन किस ग्रुप में इंसर्ट टैब पर पाया जाता है, तो आप लोग उसको चेक करना, टेक्स्ट ग्रुप में पाया जाता है इसमें, ठीक है, टेक्स्ट ग्रुप में लेफ्ट साइड होता है यहां पर, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आमतौर पर चयन या हाईलाइटिंग के लिए यूज किया जाता है, ये तो बहुत आसान है ना, आइकॉन के यहां पर देखो कीबोर्ड क्या दिखा हुआ है, किसका उपयोग आमतौर पर सेलेक्ट करने के लिए और हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है, फ्लॉपी डिस्क तो हो ही नहीं सकता, यहां पर आइकॉन, आइकॉन मतलब यहां पर किसी फोल्डर का आइकॉन हम बना सकते हैं भाई, लेकिन यहां पर पूछा है हाईलाइट करने के लिए और सेलेक्ट करने के लिए, तो माउस यूज हो सकता है, कीबोर्ड भी यूज हो सकता है ना। देखो कीबोर्ड से भी आप सिस्टम कभी ऐसा करके देखना कि आप कंप्यूटर को बिना माउस के चलाने की कोशिश करना, फिर क्या हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर आंसर इसका माउस है, क्योंकि आसानी से सेलेक्ट करना, आसानी से हाईलाइट करना, ये माउस से आसानी है, आसानी से होता है, होता दोनों से है, लेकिन आंसर आपको माउस लेना है, हाँ आमतौर पर होगा तो ऑब्वियसली माउस, माउस है ना, जो कंप्यूटर ज्यादा चलाते हैं वही लोग क्या है कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएंगे, कोशिश करके देखना कभी, ऐसा बहुत मुश्किल होगा। असुरक्षित नेटवर्क पर डेटा को सुरक्षित हस्तांतरण सुरक्षित करता है, देखो यहां पर दिखा हुआ है खालिस्तान इंटरनेट जैसे असुरक्षित नेटवर्क पर डेटा का सुरक्षित हस्तांतरण करता है, सुनिश्चित करता है ना, इसका मतलब ये है ना, यानी कि ये क्रिप्टोग्राफी कहलाता है ना, इसे यहां पर देखो हैक करना मतलब जानकारी चोरी हो जाना है ना, एंटीवायरस आपके डेटा को सुरक्षित कर रहा है, क्रैक कर रहे हैं तो आपके सॉफ्टवेयर को घुक के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की जा रही है, वो डिकोडिंग कोड का डिकोडिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। स्पूफिंग भी क्या है, उस पे स्पूफिंग भी इस प्रकार का, हाँ चोरी वोरी वाली चीजें हैं, ठीक है इसमें। और एक होता है फिशिंग,
अभी फिशिंग कॉल बहुत आ रहे हैं, थोड़ा अवेयर रहना, फिशिंग कॉल बहुत आ रहे हैं, कभी भी किसी को पासवर्ड वगैरह कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, किसी को भी नहीं, आप और सिर्फ आप ही जानना, ठीक है, किसी को भी, क्योंकि कल के डेट में ये सब चीज़ें बहुत बहुत तरीके से जो है अलग अलग तरीके इनके पास हैं इस प्रकार के फिशिंग कॉल करने के, है ना, कि आपका आधार कार्ड अपडेट करना है, वो एक्सपायर हो गया है, वो एक OTP आया, बताइए, फिर आपका अकाउंट साफ, ठीक, इसलिए याद रखना ये अलग अलग प्रकार चीज़ें होती हैं। तो क्रिप्टोग्राफी की जाती है, ठीक है, क्रिप्टो मतलब वो वर्चुअल मोड पे होता है पूरा, है ना, तो क्रिप्टोग्राफी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन बनाने की क्षमता, मल्टीटास्किंग, है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता, मतलब एक सॉफ्टवेयर लगाओ उसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं तो वो क्या है, मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर है, हमने उसमें देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के समय नोट कराया था, इसमें मल्टीटास्किंग जो है एक से अधिक काम जो करता है। बूटिंग के समय, इसे देखो, बूटिंग के समय जिसको मैंने बताया था ये रिपीट हो गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सभी पेरिफेरल इकाइयों की जांच करने की प्रक्रिया को पोस्ट कहा जाता है, पोस्ट कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, पोस्ट, हाँ लिख लो, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसको ऑन कर देते हैं तो सभी पेरिफेरल डिवाइस को जो है चेक कर लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, एक हैंड हेल्ड डिवाइस जो आपको कीबोर्ड में निर्देश टाइप किए बिना अपने कंप्यूटर को नियंत्रित करने की अनुमति देती है वो माउस होगा, बहुत आसान तो है, कीबोर्ड से निर्देश टाइप किए बिना, तो माउस ही तो अकेला है ना, बिना कीबोर्ड को टच किए काम करोगे, कंप्यूटर को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बस शब्द लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, तो माउस है, मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो बिना माउस बिना कीबोर्ड के यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर को, तो माउस से यूज़ कर सकते हो आप इसे। डेटाबेस, भाषा में यह सुविधा जो हमें डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड तक पहुंचने की अनुमति देती है ना, क्वेरी कहलाती, क्वेरी, कुछ रिकॉर्ड तक पहुंचने की अनुमति देती है वो है क्वेरी कहलाती है। DBMS एक्चुअल में आपके में है नहीं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो 7 लेयर्स हैं कोई कैसे कैसे वो सब है, वहाँ पे क्वेरी से ये सब चीज़ें आती। नेक्स्ट, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लिखा है प्रोजेक्ट सहेजते हैं तो आप किस फाइल स्वरूप का उपयोग करते हैं, ADP.Microsoft, जैसे कि यहाँ पे होता ना, तो यहाँ पर एक्सेस के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए, तो किस फाइल स्वरूप, यानी कि यहाँ पर लिखा किस फॉर्मेट का, तो .adp का यूज़ किया जाता है, .adp, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। किस टोपोलॉजी की विशेषता सबसे अधिक है बताओ, मैस टेक्नोलॉजी, याद आएगी ना, मैस क्यों कहा जाता है, अरे भाई बीच में हब रहता है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था उस समय, ये देखो ऐसा करके, तो यहाँ पर जैसे कि मान लो, इसको ऐसा मत समझो, यहाँ पर लिखो, जैसे कि यहाँ पर थोड़े समय के लिए मानिए, पहला कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, चौथा कंप्यूटर, अलग अलग हैं, मान लो पांचवा कंप्यूटर भी होता, छठवां भी कंप्यूटर, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, ये इसके साथ कनेक्टेड हो गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये भी कनेक्ट हो गया, तो इसमें क्या है, आपका डेटा बड़ा सुरक्षित रहता है ना, वो आप लोगों को वहाँ पे एक्चुअल फिगर बताया था, ये हड़बड़ी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, सब आपस में इस प्रकार कनेक्टेड रहेगा कि यहाँ पे इसे हैक करना बड़ा मुश्किल है, इस प्रकार की ये टेक्नोलॉजी जो है मैस टेक्नोलॉजी सबसे ट्रस्टेड है। देखो स्टार और रिंग वाले में क्या था, ऐसा हुआ, इससे कनेक्टेड ये है, इससे कनेक्टेड ये है, इससे कनेक्टेड ये हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, तो रिंग स्ट्रक्चर बन गया, इसे आपने क्या नुकसान पहुंचा दिया तो डिसकनेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर एक को नुकसान पहुंचा भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ पर आपस में एक दूसरे से सब कनेक्टेड ही है, सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मैस टेक्नोलॉजी वहाँ पर नेटवर्क वाले में बताया है क्लास में, मैंने पिछले क्लासेस का देख लीजिएगा। बस टोपोलॉजी से बस चल रही है, यहाँ पर इधर एक बस स्टैंड आया, लेकिन यहाँ पर याद रखना इससे भी बेहतर, इससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी ये वाली होती है, ठीक है, अगर इसको नुकसान पहुँचाए तो ये वाला नहीं हुआ, लेकिन इधर आगे बढ़ा, इन्फॉर्मेशन आगे चली गई, यहाँ और यहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ा, जब इसमें इन्फेक्शन हुआ तो इसको हमने क्या किया, हैक कर दिया, तो ये आगे बढ़ा, लेकिन इसमें देखो इसको हैक कर दिया तो ये डिसकनेक्ट ही हो जा रहा है,
तो ये बस भी ठीक है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो है वो मैस टेक्नोलॉजी है। स्टार का भी वहां पे मैंने इमेज बता रखा है, ठीक है, वो इमेज बनाए हो ना आप लोग, ठीक है, उस चीज को ध्यान रखना। चलो अगला थोड़ा कुछ जो है जल्दी जल्दी चलते हैं। नेक्स्ट, किस शब्द का प्रयोग व्यक्तिगत बैकअप के बजाय व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए सॉफ्टवेयर की अनअधिकृत प्रतिलिपि बनाने के लिए यूज किया जाता है, है ना? यहां पर किस शब्द का प्रयोग बैकअप के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए सॉफ्टवेयर की आना मतलब जैसे हमको क्या करना है, क्विक हील खरीदना है, 1000 रुपया लगेगा। नॉर्मल क्विक हील एक 350-350 रुपये पे आता है, उसी रेंज में आता है ना? क्विक हील एक क्या है, एंटीवायरस है, टोटल सिक्योरिटी जो क्या है 1000 रुपये के आसपास आता है या 1000 रुपये प्लस आता है, और एक कहा मैंने 350-500 आसपास आ जाता है। लेकिन क्या है, आपको आप दोनों ही नहीं खरीदना चाहते, तो इंटरनेट में आप क्या करो, उसका जो है रेप्लिका या उसी का क्या डुप्लीकेट खोजोगे तो आपको मिल जाएगा, किसका, क्विक हील का या किसी भी सॉफ्टवेयर का। तो यही पूछा गया है, सॉफ्टवेयर पायरेसी यही कहलाता है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर को चालू करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, विंडोज, कंप्यूटर खरीदे हो तो विंडोज का सॉफ्टवेयर वो घले दुकान वाला आपको इंस्टॉल करके सब करके देगा ओरिजिनल वाला। लेकिन आप खरीद लियो कंप्यूटर को, घर में जोड़ दिए, असेंबल कर दिए, और आप विंडोज को क्या डुप्लीकेटेड पायरेटेड वाला चलाओगे तो कुछ समय बाद आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा या सीधा आपको पता लगा ले, क्योंकि आपका हर डिवाइस का लोकेशन कंपनी को मालूम होगा। चलो यहां पर एक बात लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों के लिए नया है। EDBIC, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, EDBIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी बाइनरी को डेसिमल में इंटरचेंज करने का कोड है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, ये EDBIC का कोड है, जिसमें कि 256 ऐसे क्या होते हैं, टोटल जो होते हैं डिजिट होते हैं, 256 ऐसे कोड होते हैं, 256 कोड होता है, ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा नया क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। ये क्या है बता रहा हूं, जब पहली बार प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया जाएगा तो मशीन लैंग्वेज में यूज किया जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग किया जाएगा तो एकदम मशीन लैंग्वेज में। अब उसमें भी तो बहुत सारे टाइप है, एडवांस वाले लैंग्वेजेस हैं, तो हमने पहले पढ़ रखा है कि केवल सबको 01 01 01 नहीं करते रहेंगे, 01 01 अगर 10 बार है तो उसका एक शॉर्टकट की है, डॉट मान लो या लेस देन ग्रेटर देन एक दबा दिए, मतलब वो इतना सारा एक बार में टाइप हो गया। तो वैसे ही जब क्या होता है, एक्सटेंडेड जो है यहां पर जो कोड होता है, जिसमें कि हमको यहां किस में यूज किया जा रहा है, बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, 01 01 01 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो EDBIC कोड होता है जिसमें 256 ऐसे कोड होते हैं, शॉर्टकट कोड्स, जो आसानी से उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक में दूसरे रूप में बदलने के लिए एक प्रकार का ये टेक्निक है, तरीका है, ठीक, जिसमें 256 टोटल कोड होते हैं। किसी वेबसाइट के मुख्य वेब पेज को किस नाम से जाना था, होम पेज, ठीक, हाइपरलिंक क्या है आप लोगों को बताया था, हाइपरलिंक के नीचे एक लाइन होती है और जनरली ब्लू कलर का होता है, उसको क्लिक कर दोगे तो फिर नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, हाइपरलिंक समझ में आया। तो यहां पर हाइपरलिंक एक टेक्स्ट छवि है जिस पर क्लिक करने पर नया वेब पर भी जा सकते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये प्रश्न रिपीट हो गया, देखो, कंप्यूटर पर अनअधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है, जिसमें घुसपैठिया एक पते के साथ कंप्यूटर पर संदेश भेजता है और दर्शाता है कि संदेश एक विश्वसनीय होस्ट से आ रहा है, वही चोरी वोरी वाली बात, स्पूफिंग है ना, स्पूफिंग है ना, मतलब आपको कहा जाएगा, अरे मैं RBI से बोल रहे हैं, RBI एक मेल आया होगा, उसको क्लिक करके जवाब दीजिए समथिंग। तो यहां पर देखना, स्पूफिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, जनरली आपका IP एड्रेस हैक हो गया तो इस प्रकार एक बड़ी चीजें मतलब पूरे आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल आपके पूरे नेटवर्क के अंदर घुस गया, उससे जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर हैं सब तरफ वहां पे वो पहुंच जाएगा। तो यहां पर स्पूफिंग के बहुत सारे टाइप हैं, तो यहां पर इसको स्पूफिंग भी कह सकते थे, ये IP स्पूफिंग भी लिखा है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।
फॉर्जिंग, फार्मिंग या आकी बाकी चीजें जो है नहीं है। फिशिंग जो होता है वो कॉल है, वो अलग से आया हुआ कॉल है ना। और ये एक अलग से, इस प्रकार अगर ये मेल में आता तो वही स्पैम मैसेज होता, स्पैम मेल होता है ना। चलो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, देखो ये भी प्रश्न आया हुआ है। हड़बड़ी में ऐसे क्वेश्चन मिस्टेक कर सकते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है ना। अगर पेज इस प्रकार है तो ये क्या है, आपका पोर्ट्रेट है। अरे इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, अभी थोड़ी देर शुरुआत की क्लास में हमने देखा था पोर्ट्रेट पेज था ये पीडीएफ, तो हमको दिख नहीं रहा था। तो अब मैं इसको लैंडस्केप करने का प्रयास किया हूँ, लैंडस्केप में और पूरा यहाँ तक ऑक्यूपाई हो जानी चाहिए, लेकिन ये पेज के साइज के हिसाब से है, इसलिए ये क्या हो गया, लैंडस्केप हो गया। मतलब ये पेज को ऐसा रोटेट कर दिए तो अब ये कैसा हो गया, इस प्रकार हो गया। पेज यही है, ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है। तो ये क्या है, इसका ओरिएंटेशन बदल रहा है ना ऐसा करके। तो यहां पर पेज ओरिएंटेशन आंसर है, ना कि पेज लेआउट है। पेज लेआउट देख के हम गलती कर सकते थे कि लेआउट कैसे है भाई, ऐसे है कि ऐसे नहीं, उसका ओरिएंटेशन है ना, हम एंगल चेंज कर रहे हैं ना। तो यहां पर पूरा 90 डिग्री एंगल चेंज हो रहा है, तो इसका ओरिएंटेशन है। पेज साइज भी नहीं है, पेज साइज अभी भी A4 ही है, फोटोकॉपी वाली दुकान। हम उसको कह रहे हैं कि भाई ये वाला को लैंडस्केप में प्रिंट कर देना, तो उसी A4 वाले साइज में ही प्रिंट कर रहा है। तो पेज साइज तो बदल ही नहीं रहा है, पेज लेआउट भी नहीं बदल रहा है, पेज का व्यू बदल जरूर रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर पूछना है, यहाँ पूछा है ओरिएंटेशन दिया हुआ है, तो ओरिएंटेशन इसका बेस्ट आंसर है, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है, 90 डिग्री एंगल में पूरा उसको बदल दिए, ठीक है। चलो, यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस बाई ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाई DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। मतलब आपको इंटरनेट एक्सेस करना है टेलीफोन लाइन से, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, क्योंकि आप वहां पर बात समझ रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस बाई ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क, तो ये है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, इन निम्नलिखित में से किस नेटवर्क डिवाइस को कंसंट्रेटर कहा जाता है, सांद्रक कहा जाता है। कौन कौन सबको एक जगह कनेक्ट करके रखा था, हब ने कनेक्ट करके रखा था ना, तो हब इसका बेस्ट आंसर है। सर्वर से एक चीजें निकल रही, सर्वर होता तो हम कंफ्यूज होते यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हब ही क्या है, हब से ही बाकी लिंक्ड वाले कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो हब ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, यहां पर याद रखना। नेक्स्ट, किस प्रकार की वेब तकनीक एक ऑनलाइन समुदाय बनाती है जहां लोग बयान दे सकते हैं और वो लोग उन स्थानों को पढ़ सकते हैं। ब्लॉग, ब्लॉग में कुछ लिखा जाता है उसी को हम जाके पढ़ते हैं, अलग अलग लोगों के ब्लॉग होते हैं। जैसे हम लोग अपना क्या अकाउंट, आप बहुत अच्छे अगर लाइक आपको पोएट्री आती है या बहुत अच्छी अच्छी आप लोग शेर व शायरी लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे चारे विचार लिखते हैं कुछ चीज़ें, तो आप अपना ब्लॉग बना के वहाँ डालिएगा, आपके सभी ब्लॉग के भी फॉलोअर बनेंगे, और ब्लॉग में जब आपके जो है ज़्यादा लाइक्स बढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने लगेंगे, तो उसका भी पैसा मिलता है, ठीक है, पॉपुलर भी होंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर EDI का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDI का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। नेक्स्ट और अंतिम स्लाइड की ओर चल रहे हैं, MS Excel में है ना, यहाँ पर डबल कॉमा इस प्रकार चिन्ह का क्या उपयोग है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है MS Excel में, तो आपको दो कोशिकाओं के बीच एक अधिक कोशिकाओं के लिए संदर्भ बनाने की अनुमति देता है। दूसरा, इसका उपयोग MS Excel स्प्रेडशीट फार्मूला में तर्कों को अलग करने के लिए किया जाता है। ये एक्सटेंशन ऑपरेटर ये तो नहीं है, दो सेलों के योग के लिए ये भी नहीं है, ये दोनों में से एक हो सकता है। दो कोशिकाओं के बीच एकाधिक कोशिकाओं के लिए संदर्भ बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट्स अलाउड टू द मेक वन रेफरेंस टू मल्टीपल सेल लोकेटेड बिटवीन टू सेल, नो, ये आपका आएगा, इट यूज फॉर है ना सेपरेट आर्ग्यूमेंट इन एक्सेल स्प्रेडशीट, तो यहां पर ये अलग से इसको क्या करेगा बताएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान इन विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है, मैंने बताया था Alt F4 बताया था, कंप्यूटर को भी बिना सिस्टम बिना टर्न ऑफ किए आप Alt F4 को करो, एंटर कर दो तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा।
देखो पांच प्रोग्राम, पांच आपने चीज खोल रखा है ब्राउजर के, मतलब पांच विंडो खोल रखे हैं ब्राउजर में। अब अल्ट एफ फोर करोगे तो पहले वो ब्राउजर बंद होगा, फिर अल्ट एफ फोर करोगे तो आप टर्न ऑफ करूं या रीस्टार्ट करूं वो पूछेगा, एंटर कर दोगे ना तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और कोई और प्रोग्राम खुला रहेगा तो पहले वो प्रोग्राम को बंद करता है, बाद में कंप्यूटर को बंद करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, करके देखना इसे। ठीक, तो यहां पर अल्ट एफ फोर, माइक्रोसॉफ्ट एज, एज वही ईडीजी जैसे प्रोग्राम को वेब में नेविगेट करने योग्य विंडो के रूप में काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वेब ब्राउजर, है ना, नेविगेट करने के लिए यहाँ वेब ब्राउजर। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन किए जाने वाले कार्यों का एक स्वनिहित चरण दर चरण सेट है? इधर देखो इंग्लिश में, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ सेल्फ कंटेंट, है ना, स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। एल्गोरिदम, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये इसलिए नहीं हो सकता, चलो वो चलाने का काम, प्रोसेस करने का काम ऑटोमेटिकली कर रहा है, लेकिन यहाँ पर है ना ऑटो मोड पे स्टेप बाय स्टेप जो है उसको जो है सीपीयू ही करता है, तो सीपीयू ही उसे प्रोसेस करने का काम करेगा, जिसमें अगर लॉजिकली होगा चाहे मैथमेटिकली होगा, वो दोनों के प्रोसेस के थ्रू ही ये एल्गोरिदम वैल्यू के आधार पर क्या करेगा, उसका जो है आगे प्रोसेस करेगा और फाइनली हमको रिजल्ट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सेट है तो सेट अप एल्गोरिदम है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है क्या? ये तो जरूरत पड़ेगी तब यूज करोगे, एप्लीकेशन यूटिलिटी भी कम जरूरत पड़ेगी तब यूज करोगे। यहां पर आपको कंफ्यूजन नेटवर्क में भी नहीं हो सकता, कंफ्यूजन इन दोनों में होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को आगे चलाता है, स्टार्ट करता है, काम करने योग्य बनाता है, लेकिन कोई भी चीजें उसमें इनपुट डालोगे तो आगे प्रोसेस करने का काम कौन करेगा? सीपीयू करेगा। तो यहां पर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ सेल्फ कंटेंड स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ ऑपरेशन, खुद ही तो करेगा, कुछ भी डालोगे तो रिजल्ट बनाएगा, तो सीपीयू कर रहा है, तो सीपीयू से रिलेटेड एल्गोरिदम है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, सिस्टम सॉफ्टवेयर आगे जरूर काम कर रहा है, लेकिन इसका आंसर सीपीयू इसलिए होगा क्योंकि वही तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जवाब निकालता है और फाइनली आउटपुट डिवाइस पे नजर आता है हमको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। कौन सा स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन है, इंटरसेक्शन, सेल, है ना, इंटरसेक्शन स्प्रेडशीट में। ठीक है, ये बात समझ में आई? अरे भाई ऐसा है ना, तो यहां पर कह रहे हैं कि कोई भी सेल क्या है, यहां पर पंक्ति, यानी पंक्ति यहां पे लिखा हुआ है, देखो रो एंड कॉलम, पंक्ति और स्तंभ, ये पंक्ति हो गया और ये ऊपर से नीचे क्या, कॉलम हो गया, दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, ये देखो ये पंक्ति हो गया, ये कॉलम हो गया, तो सेल ही तो है। ठीक, नेक्स्ट लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे सेशन, देखो इसको, कौन सा नियमों का एक सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर एक दूसरे से ज्ञात बात करने के लिए करते हैं। ठीक है, कौन सा नियमों का सेट, नियम यानी प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल ही है, इस प्रोटोकॉल को हमको फॉलो करना पड़ता है, अगर ये प्रोटोकॉल को हम मतलब उसे एक्सेप्ट करना पड़ता, नहीं करोगे तो बहुत सारे क्या हैं, लाइक वो जो इंटरनेट के रूल्स रेगुलेशन है वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, तो वो कनेक्ट ही नहीं होगा दो कंप्यूटर। जब प्रोटोकॉल को इनेबल करोगे मतलब उसे एक्सेप्ट करोगे तो दो कंप्यूटर आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, किस टोपोलॉजी में केंद्रीय नियंत्रक हब होता है, इसे बताओ आप, किस में होता है, स्टार में होता है, स्टार में होता है, यस और नो, पक्का, केंद्रीय नियंत्रक स्टार में, यहां पर पहला दूसरा तीसरा चौथा, बीच में क्या होगा, हब, क्या है, स्टार, स्टार हो जाएगा आपका, है ना, यहां पर अगर यहां पर हब को हटा देते तो क्या बन जाता, रिंग बन जाता, है ना, और सब आपस को सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर देते तो मैस बन जाता। और बस में तो मैंने कहा था ऐसे बस गाड़ी चल रही, इधर स्टेशन इधर स्टेशन इधर स्टेशन, ऐसे बस होता है। ठीक, तो यहां पर ये हो गया है, एमएस विंडो में नया फोल्डर बनाने के लिए, ये बताया हूं बहुत सारे शॉर्टकट बताया हूं, तो कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, तो यहां से क्या हो जाएगा, विंडोज में एमएस विंडो में नया फोल्डर बनाने के लिए यूज किया जाता है, है ना। प्रथम कंप्यूटर जिसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है प्रोग्रामिंग करने के लिए, अभी बताया, सबसे पहले मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ कोई समस्या है तो बताओ भैया। ठीक है,
आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले 200 क्वेश्चन में आप लोगों को मंडे को आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, मंडे या अधिक से अधिक ट्यूसडे, क्योंकि कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के हैं, जैसे कुछ कुछ डिफिकल्ट लेवल 2-3 आज भी हमने देखा, तो उसको मैं रिमूव करवा के उसको रिप्लेस कर दूंगा अच्छे क्वेश्चन से। और तो मंडे या ट्यूसडे को आप लोगों को आपके ग्रुप में मिल जाएगा अगला PDF, ठीक है, और पुराने जो PDF एक बार सॉल्व कर लेना। आपकी कभी भी जो भी डाउट होगी ना अलग से आप लोग ऑर्गेनाइज करके लेकर आ जाना, ठीक है। अगली क्लास कब होगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा ग्रुप में, लेकिन आप लोगों को PDF जो है डेफिनेटली आप लोगों को मंडे या ट्यूसडे को मिल जाएगा, ठीक है। रखें इतनी क्लास आज, ठीक है, थैंक यू।